उत्तर प्रदेश के मंत्री सतीश महाना दोबारा इस बार जीत कर आ गए हैं पहले से बेहतर मार्जिन से। क्या कहेंगे सतीश जी आज की जीत? मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 8वीं बार लगातार इस सीट के ऊपर भेजा। पार्टी की मेहरबानी है कि पार्टी ने मुझे अवसर दिया वहाँ से चुनाव लड़ने का। एक लगभग मेरे को 65% से ज़्यादा वोट मिले। एक तरफ सब लोग थे 30-35% में, एक तरफ मैं था मेरी जनता के कारण जिन्होंने इतनी लंबी जीत दी है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ, मैं प्रदेश की जनता का आभारी हूँ जिन्होंने सत्य को चुना है, जिन्होंने धर्म, धर्म का मतलब सत्य, सत्य का मतलब शाश्वत, धर्म का पूजा पद्धति से मतलब नहीं होता। क्योंकि हम इस बात को कहते हैं कि हमने 5 वर्ष के अंतर्गत माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर आदमी को बिना भेदभाव की सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ध्रुवीकरण करके अपने आप को समझते थे कि वो जीत जाएंगे। श्रीमान अखिलेश यादव का मिथ टूटा, क्योंकि उनके ज़माने में जिस प्रकार से बहन और बेटियों के ऊपर अत्याचार होते थे वो जनता भूल नहीं सकी, जिस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी वो जनता भूल नहीं सकी, जिस प्रकार से बिजली आती नहीं थी 2017 से पहले, अब बत्ती जाती नहीं है, वो लोगों को भूल नहीं सके। इसके कारण जनता का अपार स्नेह समर्थन भारतीय जनता पार्टी। बड़ी जीत का कारण क्या है, सुरक्षा, राशन या फिर कुछ और? देखिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण आती है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि बहन और बेटियों का 80% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला। निश्चित रूप से बहन और बेटियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सुरक्षा हो, उनको संसाधन मिले। घर में रसोई चलाने वाली माँ और बहन को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल गया, उसके यहाँ लाइट आती नहीं थी, लाइट मिल गई, उसको मुफ्त में राशन मिल गया, उसको मकान मिल गया जो माँ और बहन और बेटी के नाम है, जो महिला के नाम है, उसको शौचालय मिल गया, उसको स्वास्थ्य कार्ड मिल गया। पहले किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो वो अपने इलाज के लिए भटकता था, उसको स्वास्थ्य कार्ड मिल गया। एक सवाल, अखिलेश यादव को आपका संदेश? अखिलेश यादव को ये संदेश है कि ज़मीन पर उतर कर आएँ, गुंडों का साथ छोड़ दें, अपराधियों का साथ छोड़ दें। अखिलेश यादव ने हमारे ये एक बात कही कि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। अखिलेश यादव के कहने और कथनी में फ़र्क है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जो लोग खड़े होते थे वो कहते थे कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो संविधान की बात करते थे। उनको स्वचिंतन करना पड़ेगा कि उनको उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो समाज के लिए नासूर हैं। वो अब लंदन की टिकट कटा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि लंदन जा, वो पहले से उन्होंने टिकट करा ली थी, छुपाए हुए थे। सतीश महाना अपनी जीत का एहसास और आभास करते हुए, कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिया, लखनऊ, एबीपी न्यूज़।